फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और मैं श्रीकांत प्रसाद आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो पे, चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप ये चीज़ बताइए, आप में से कितनों को ये चीज़ पता होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 नाम की एक चीज़ है, जिसमें क्या लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विदाउट द एक्सप्रेस ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को, है ना, लिबर्टी को कोई दूसरा आदमी इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता है। कब कर सकता है, एक्सेप्ट लिखा है कि कब कर सकता है, विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से अगर कानून कहता है कि नहीं रोकना है उसको, जैसे किसी ने ऑफेंस कर दिया तो उसको अरेस्ट करना है, तो ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ करना, तो यहाँ पे हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता मेरी आर्टिकल 21 को इन्फ्रेंच कर दिया, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चीज़ है, तो इसके तहत ये लाइन इतनी छोटी है लेकिन इसका स्कोप इतना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस में इसको बहुत ही बड़ा, मतलब उसको स्कोप इसका बताया है कि आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लाइफ नहीं है, जीना सांस लेना नहीं है राइट टू लाइफ का मतलब। राइट टू लाइफ का मैं सब कुछ आता है, कपड़े पहनना, घूमना, खाना पीना, नाचना गाना और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसी तरीके से आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, रिलीजियन कन्वर्सन। तो आज रिसेंटली क्या हो रहा है कुछ महीनों से, कि जब सबसे पहले ये बात, जब इंडिया में ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब लाइट में आती है तो उसके बाद कंसिस्टेंटली वही सेम चीज़ बार बार लाइट्स में मीडिया लाई जाती है अपनी टीआरपी को गेन करने के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो आया था रिलीजियस अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया था कि रिलीजियन को कोई अमेंड कर, मतलब बदलता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, शादी के लिए धर्म बदल रहा है अपना तो क्या है, नहीं है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यही होता है कि वो हिंदू होता है, हिंदू शायद एक शादी कर चुका होता है लेकिन वो चालाकी क्या करता है, दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म जो है मुस्लिम बन जाता है वो। तो वहाँ उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना ये ऑफेंस है। और वैसे भी बाइगेमी जो आईपीसी में है 494 बाइगेमी का ऑफेंस, अपनी पत्नी या पति होते हुए दूसरी शादी करना वो बाइगेमी का ऑफेंस है, 7 साल तक की पनिशमेंट होती है उसमें। तो उत्तराखंड में एक 2018 में जो है एक लॉ आया था, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018, उसमें सेक्शन 3, 7 और 12, सेक्शन 3 में बोला गया कि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बाय कंपेल, बाय कोएर्शन और झूठा बहला फुसला के उसको धर्म परिवर्तन करवा देता है तो उसके तहत वो सेक्शन 3 में आता है। दूसरा है सेक्शन 7, कि सेक्शन 7 में, सॉरी फ्रेंड्स, वो सेक्शन 7 नहीं, सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 ऑफ उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसमें ये लिखा है कि कोई भी अगर रिलीजन अपना कन्वर्ट करना चाहता है किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसको प्रायर 1 महीने के पहले का नोटिस जो है वहाँ के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखित में देना है कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ और इसमें इस धर्म से इस धर्म में होने जा रहा हूँ ये। और साथ ही सेक्शन 12 में इस चीज़ की बात करता है कि कोई भी धर्म, अगर मैंने बताया कि सेक्शन जो 3 में कि दबाव अबाव के चलती करता है, डरा धमका के करवाता है किसी को धर्म बदल पाता है, तो उसमें जितने भी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जरूरी है जो मार रहा है, जो बंदूक पे लगा रखा है कि धर्म बदल नहीं ये वो नहीं, जिसके सपोर्ट में जितने लोग हैं उस बंदूक वाले के सपोर्ट में, वो सारे जो है उस सेक्शन 12 में आते हैं। ये कहता है कि ऑफेंस किसी ने भी किया उसके साथ में जितने लोग हैं डायरेक्टली सभी के साथ, वो सेम माना जाए कि सभी ने मिलके किया। तो ऐसे ही एक केस जो है जिसका नाम है, केस का नाम जो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, उस केस का नाम है अली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अली। तो अली क्या है, एक लड़का है, मुसलमान लड़का, और जो एक लड़की है जो हिंदू है उसका नाम नहीं बता, मतलब मान लो स्नेहा है, मान लो उसका नाम जो है दीक्षा तोमता है, क्या है, दीक्षा तोमता।
तो दीक्षा तोमता एक लड़की जो हिंदू लड़की है और जो मुसलमान लड़का अली है, ये दोनों एक कोचिंग में पढ़ते थे। उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जगह एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ बट बता रहा हूँ उत्तराखंड का है, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है 3 दिन पहले। दोनों ट्यूशन में पढ़ते थे, दोनों के बीच लव अफेयर हुआ, इन्होंने शादी करने का सोचा। अब क्योंकि जब रिलीजन अलग होते हैं तो इंडिया में जो लॉ है जिसके तहत शादी होती है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट एक एक्ट है जिसके तहत मैरिज को स्पेशल दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे धर्म जो है दो लोगों के अलग है। अगर दोनों हिंदू होते तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी होती, अगर मुस्लिम होते तो मुस्लिम के हैं, अगर क्रिश्चियन होते उनका अलग है, अगर सिख होते तो आनंद मैरिज एक्ट है, अलग अलग सबके एक्ट्स हैं। तो अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं, इंटर रिलीजन है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ वही किया होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो लिस्ट है मैरिज वगैरह के जो इसके ऊपर लॉ जो बनाने का पावर है वो सेंटर को भी है और स्टेट को भी है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है जो कि शेड्यूल लिस्ट सॉरी 7 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 जो है जिसमें लिस्ट की बात करता है कौन से मैटर किसके पास पावर है लॉ बनाने का, तो इन मैटर्स पे जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट के पास भी सुनकर। तो सेंट्रल ने स्पेशल मैरिज एक्ट बना रखा है, स्टेट ने यहाँ पे बना दिया उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। उसमें बोला गया कि भाई 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है शादी मतलब धर्म बदलने के लिए। ये दोनों ने धर्म, लड़की ने जो है धर्म अपना हिंदू से मुसलमान कर लिया सनाना, 1 महीने का नोटिस इन्होंने दिया नहीं। रीजन इस वजह से नोटिस नहीं देने का मतलब है ऑफेंस हो गया इस एक्ट के तहत, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत, ठीक है। उस लड़के पे जो केस लगे पहला कि इसने मतलब दौर दबाव जबरदस्ती में उस लड़की का धर्म बदलवाया है, सेक्शन 3, नोटिस नहीं दिया सेक्शन 8, सेक्शन 12 इस लड़के ने और भी इसके साथ जो मिल करके इन लोगों ने शामिल थे सेक्शन 12 तीनों लगे, इन्होंने अप्रोच किया उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बोला हम दोनों 21 साल और 18 साल के बराबर मतलब जो है ऊपर हैं, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर हैं, मतलब है ना हमारी एज जो है वो एडल्ट है, हम दोनों शादी करने के लिए तो हम फ्री विल हैं, अपनी कंसेंट है, हम शादी करना चाहते हैं और ये ऐसा ऐसा बात है। कोर्ट हमें जो है ये पुलिस जो है इन्होंने केस कर दिया है और ये परेशानी है। पुलिस ने इस और बोला कि मेरी फैमिली जो लड़के ने बोला कि मेरी फैमिली जो है धमकी दे रही है हम दोनों को एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देंगे वो कर देंगे कैसे शादी कर ली लाइक जो है ना, तो इसके तहत हमें प्रोटेक्शन दी जाए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ सालों से जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ऑनर किलिंग जब होने लगी कि फैमिली में ही जो अलग अलग रिलीजन में हो जाती थी या फिर कुछ भी अलग मैटर होता था शादी कर ले तो उनके जब मौत हो जाती, जैसे आपने वो फिल्म देखी धड़क फिल्म में भी सेम हुआ था ना, उनका अलग अलग रिलीजन वगैरह था तो उसमें ऑनर किलिंग हुआ था, उसकी उस लड़की को धक्का दे दिया उसके बाप के आदमियों ने, मर गई बेचारी। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इनको सिक्योरिटी दे देता है, ऐसे लोग कपल्स को सिक्योरिटी मिल गई। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जब वो मैटर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था, हाईकोर्ट ने तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी एसपी से, मैटर जब चल रहा था तो एसपी ने ये फाउंड किया कि नोटिस जो है 1 महीने का नहीं दिया गया था और भी सेक्शन लगाए जबरदस्ती वाले। तो इस वजह से पूरे उत्तराखंड में ये पहला अरेस्ट है जो रिलीजन को कन्वर्ट करके शादी करने के लिए ऐसा केस था, मतलब शादी के लिए रिलीजन का कन्वर्जन किया, और इस मामले में उत्तराखंड में ये पहला अरेस्ट है जो अली का हुआ है, ठीक है ना। अब वही अली के एडवोकेट फाइल कर रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि इट इज़ अ मैटर ऑफ अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, हर किसी को अपने जीवन को जीने का अधिकार है अपने तरीके से, शर्त यह है कि वो कोई इल्लीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो, प्रोविटेड बाय लॉ ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो वही उसका वकील कह रहा है कि भाई ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है इस लड़के का, ये लड़का जिससे शादी करे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि स्टेट में स्टेट लॉ है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, नोटिस 1 महीने का देना है कि नहीं देना है एक्सेट्रा, मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था। तो इसके ऊपर मैं बता देता हूँ आपको एक मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया लीगम नॉट एक्सक्लूसिबल,
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आपने अगर लॉ का एक्सक्यूज कर मतलब इग्नोर कर दिया और आप बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था, तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैक्ट का कर सकता है, बोले को मुझे मालूम नहीं था फैक्ट के बारे में। फैक्ट अलग चीज़ है, लॉ अलग चीज़। यहाँ पे आपने लॉ को इग्नोर किया, लॉ को आपको पता होना चाहिए था। आप शादी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए था कि इस पर क्या लॉ है नहीं लॉ है। आपको जिस मर्जी से भी, हम नहीं जानते हैं, तो हर कोई कर लेगा। तो उसको अरेस्ट किया है, उसको चैलेंज करेगा। अब हम बताएंगे कि आपको जजमेंट में क्या होगा। फाइनली जो मेरा ओपिनियन है, जो इसमें लगता है कि उसको जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट दे देंगे और उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये मैटर उतना सीरियस नहीं है। और दे आर एक सेक्शन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो हाई कोर्ट भी आर्टिकल 21 को ही कंसिडर करेगा और बोलेगा राइट टू लाइफ है, तो भाई अपना चॉइस करने का राइट है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि रिलीजन कन्वर्जन करना इज़ नॉट अ क्राइम, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आप कर सकते हैं शादी करने के लिए, लेकिन आप अपने लोकल लॉज जो हैं उसके एक बार नेट पे सर्च कर लीजिए कि लोकल लॉज क्या हैं उस स्टेट के, उसके हिसाब से अगर जो कॉमन लॉ है वो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके बाद रिलीजन चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त है 21 साल लड़की की होनी चाहिए और 18 साल लड़की की होनी चाहिए। इस पे भी एक पेटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है कि भाई ये ऐसा वेरिएशन क्यों है, क्यों लड़का 21 और लड़की 18, क्यों नहीं दोनों 21 है तो दोनों 18। इस पे भी अभी एक पेंडिंग चल रहा है, उसका भी डिसीजन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिससे शादी करनी है, जिसके साथ रहना है, आप रह सकते हैं। और मैं इसके ऊपर एक दोबारा एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में और अपने पार्टनर को चुनने के क्या राइट्स हैं, क्या आप किसी को चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव उसके अगेंस्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या लॉ है इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताऊँगा। अभी अब मैं थोड़ा आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक यू।